31 जुलाई को रिटायरमेंट है हमारी तीन मैडमों का, जिनमें एक है कामिनी गुप्ता मैडम जो कि ये आ चुकी हैं, दूसरी है शशि सचदेवा मैडम वो भी हमारे बीच में यहाँ आ चुकी हैं। ये रही शशि सचदेवा मैडम और एक है हमारी गीता पुरे मैडम, वो अभी आ रही हैं। तो आज इन तीनों का रिटायरमेंट है, आज बहुत ही शानदार तरीके से वेलकम एंट्री हुई है इनकी ढोल नगाड़ों के साथ। और आज इस रिटायरमेंट प्रोग्राम में हमारे ये नर्सेज एसोसिएशन के मेंबर हैं, हमारे प्रेसिडेंट सर हैं हमारे मिस्टर जितेंद्र कुमार, हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर हैं हमारे रमेश सांखला जी, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं राकेश पड़गुजर और हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर अजीत जी शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं और बाकी के सारे सभी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर धीरे धीरे और सभी आ रहे हैं। प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। बहुत काम कर लिया, आज शाम से हम फ्री हो जाएंगे 4 बजे के बाद, 9 to 4 ड्यूटी है, 4 बजे के बाद हम फ्री हो जाएंगे। जिंदगी के रंग कई रे साथी रे, जिंदगी के रंग कई रे। आज विदाई समारोह में खुशी भी है लेकिन गम भी है कि इतने प्यारे प्यारे लोगों को जिनके साथ हम इतना टाइम रहे
थोड़ा जाना पड़ेगा, मिलेंगे, नो प्रॉब्लम, मैं हर एक के पास जाऊँगी, मुझे ऐसा कोई डर नहीं है, कोई मना करेगा क्या करेगा, मैं हर किसी के पास जाऊँगी, जब भी आऊँगी बिल्कुल मिलूँगी। थैंक यू। रिटायर हो चुकी ग्रेसी मैडम आई है, एक महीने के बाद हमें मिली है, आज फिर हम आप सभी को दिखाते हैं, ये हमारी ग्रेसी सिस्टर है, इनसे बात करते हैं। सिस्टर एक महीना हो गया आपको रिटायर हुए, कैसे टाइम निकाला है? बढ़िया, मजा आ रहा है रिटायर होके, ज्यादा अच्छा फील हो रहा है? सुना, मैं तो इनको भी नहीं करता तंग, मैं तो इनको भी तंग नहीं करता, पूछ लो, नहीं करता ना। ऑल एजेस, ऑल थ्री रिटायरीज एंड एवरीवन प्रेजेंट इन दिस हॉल, आई एम गोइंग टू टेल यू ब्रीफली अबाउट शशि दीदी। श्री लाजपत नगर, she completed her schooling in 1981, then she did her nursing training from LNJP in the year of 1982 to 85. She joined as a nursing officer in Guru Nanak Eye Center in 1986 on contract basis, then she got regular appointment in 1987 in Guru Tegh Bahadur Hospital. She got promoted to senior nursing officer in August 2004. During her service, sister did different department like gynec, emergency OT, family planning OT, surgery OT, medicine emergency, disaster department, on-call duties, MCH fourth PEDS, COVID ward, and lastly she served in one-stop center. And finally now today Didi completed her 37 plus years of excellent service. Didi got married to Mr. Sachdeva in 1988, who works in LIC. She has two children. Her elder son is a bank manager and married to a lawyer. Her daughter is a HR manager and married to an engineer working in Wipro. अपने बच्चों की तरह मैनेजर हैं जैसे बच्चे, दीदी भी बहुत अच्छी मैनेजर हैं। यहाँ GTB में जो जो उनसे डिपार्टमेंट दीदी ने किए, she was a good manager during her service. और दीदी में इतनी पेशेंस है, टू द पॉइंट बात करती हैं और थोड़ी सी बात में ही बहुत कुछ समझा देती हैं, और हमने कुछ सीखा, और मुझे तो लगता है मैं बहुत लेट मिली दीदी से, लेकिन इन दो महीनों में मैंने दीदी से बहुत कुछ सीख लिया। लव यू दीदी, वी ऑल विल मिस यू। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सम्मानीय एएनएस मैडम, सभी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स और आप तीनों के परिवार से पधारे हुए सम्मानीय सदस्य, मैं आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हमारे लिए बड़ा ही भावुक पल है, क्योंकि आज हमारे तीन सीनियर नर्सिंग सिस्टर श्रीमती कामनी गुप्ता, श्रीमती शशिवाला सचदेवा, श्रीमती गीतापुरी, आप तीनों आज अपने सफर के अंतिम पड़ाव पर हैं।
साथियों, रिटायरमेंट एक घटना है जो हर सरकारी कर्मचारी के जीवन में एक बार जरूर होती है। किसी भी इंसान के जीवन में जब घटना होती है तो उसके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। ऐसा ही परिवर्तन सरकारी कर्मचारी के जीवन में भी आता है। एक दिन पहले तक हमारे पास बिल्कुल समय नहीं होता है, भाग दौड़ रहती है। कभी ऑफिस जाना है, कभी अपने बच्चों को संभालना है, कभी अपने घर को संभालना है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। लेकिन एकदम से जीवन बदलता है। एक दिन बाद इतना समय होता है कि समय ही समय होता है, अपने लिए जी सकते हैं, अपने लिए कुछ सोच सकते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ सोच सकते हैं। साथियों, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं सभी कि हमें सरकारी नौकरी के साथ साथ मानव सेवा करने का भी मौका मिलता है। ये हर किसी को नहीं मिलता है, हम सबको ही मिलता है। केवल जो नर्सिंग से रिलेटेड है, मानव सेवा करने का मौका मिलता है। और आज के टाइम में सबसे बड़ा धर्म होता है मानव सेवा करने का, जो LIC के ऑफर की तरह है, जिंदगी के साथ भी चलता है, जिंदगी के बाद भी चलता है। मानव सेवा में अपने 36 वर्ष पूरे करने वाली और अपना आधे से ज्यादा जीवन इस कार्य सेवा में देने वाली हमारी श्रीमती कामनी गुप्ता, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में, जिनके जीवन के पहलू, कुछ पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपका जन्म 9 जुलाई 1964 को दिल्ली में हुआ। आपकी नर्सिंग की शिक्षा आपने दिल्ली से ही प्राप्त की। इस बीच आपका विवाह एक सफल व्यवसायी श्री हरदेश गुप्ता सर से हुआ। इसको एक बेटी और एक बेटे से नवाजा है। आपकी पुत्री सफल डॉक्टर हैं, दिल्ली में ही हैं, और आपके बेटे आई थिंक कनाडा में जॉब पर हैं। और शायद आपको एक जानकारी नहीं होगी, सिस्टर का अभी दादी के रूप में प्रमोशन भी हुआ है। आपने इस सफर की शुरुआत आपने दिसंबर 1987 में नर्सिंग के स्टाफ के रूप में GGB हॉस्पिटल से ही प्रारंभ की। सन 2006 में आप सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स के पद पर आसीन हुए। इस सफर में आपने कैजुअल्टी, वार्ड 13, वार्ड 21, वार्ड 26, वन वार्ड, TMT डिपार्टमेंट, आई डिपार्टमेंट और भी कई सारे डिपार्टमेंटों के सफर में कई स्टेशनों को आपने पार किया है। आप GGB हॉस्पिटल की नर्सिंग एसोसिएशन, नर्सिंग कमेटी, नर्सिंग कर्मचारी कमेटी, फेयरवेल कमेटी, ऐसी कई सारी गतिविधियों से हमेशा जुड़े रहे हैं। आपका स्वभाव हमेशा एक नारियल की तरह रहा है, जो बाहर से बहुत सख्त होता है लेकिन अंदर से थोड़ा नरम भी होता है। और नारियल भी कैसा, जैसे मलाई निकलती है। मलाई कैसे निकलती है, हम सिस्टर के पास जाते हैं, कहते हैं सिस्टर धूप लगा दो, सिस्टर कहती है नहीं अभी स्टाफ नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद आती है हमारे पास, बेटा तेरे को क्या चाहिए, मैंने कहा सिस्टर दो, नहीं नहीं तू घर जा रहा है ना, तेरे को 3 ओक मिलेंगे। तो ऐसा सिस्टर का नेचर है। आपने अपनी सेवाओं में सबसे पहला स्थान अपने मरीज को दिया है, मरीज रहा है। आप जब भी डिपार्टमेंट में आते हैं, स्टाफ से बाद में मिलते हैं, पहले एक राउंड अपने वार्ड का लेते हैं, सारे मरीजों को देखते हैं, अगर लगता है उनके कोई कमी है तो स्टाफ से उसके लिए बात करते हैं। यानी कि हमेशा आपकी प्रायोरिटी पे हमेशा पहला जो रहा है वो मरीज का रहा है। आप हमेशा स्टाफ के सपोर्ट में खड़े रहे हैं। आप स्टाफ कोई भी उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता है तो वो हमेशा उसका समाधान निकालने की कोशिश करती हैं। एक चीज़ जो शायद सभी जानते होंगे, सिस्टर का नेचर, आपको हर कोई GGB हॉस्पिटल में लेडी सिंगम के नाम से जानता है, क्योंकि आपकी जो कार्यशैली है ना वो एक सत्ता अधिकारी के रूप में है, इसलिए आपको लेडी सिंगम के तौर पे आपको जानते हैं। आप अपनी बात मनवाने के लिए, आप अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं और आपका हमेशा सख्त रवैया रहते हैं, अंदर से बहुत नरम है। तो आपको लेडी सिंगम आई थिंक सब जानते होंगे सिस्टर को। वर्तमान में आप वन एंड प्लास्टिक में डिपार्टमेंट में इस सफर के अंतिम पड़ाव पर हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आपके साथ मुझे कई वर्षों तक काम करने का मौका मिला। मैं अपनी तरफ से आप सब तीनों सिस्टर्स को
मैडम को श्रीमती कामनी गुप्ता, श्रीमती शशिवाला सचदेवा, श्रीमती गीतापुरी मैडम, उनके सफल और सुखद रिटायरमेंट की बधाई देता हूँ। अंत में मैं आप सबसे एक निवेदन करूँगा अपने शब्दों को विराम देने से पहले कि आप अपनी जगह पे एक बार खड़े हो जाएं और आप तीनों के सम्मान में एक बार तालियां बजा दें प्लीज। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। गीतापुरी, मिस गीतापुरी वॉज बॉर्न इन द ईयर 1964 इन द मंथ ऑफ 84 टू 1989 from one of the prestigious school of nursing in Ludhiana, Dayanand Medical College. Upon completing her nursing, she moved on to Delhi in 1995. And when she reached Interim Hospital, she was posted in Ward 17 and later on because she was on medical leave. And again in 2013, she was posted in the endoscopy department. Again posted to the psychiatry department in the year 2020 to give. Dr. Sumit, please come forward. The seat for you. पर आया 2014 में आया तो सिस्टर जी यहीं पे एज ए सिस्टर इंचार्ज थी और सिस्टर जी की तरफ से मुझे बहुत कोऑपरेशन मिला रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ वार्ड, काफ़ी सारी मुझे चीज़ें भी सीखने को मिली एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। सिस्टर ने बिल्कुल मेरा ऐसा केयर करा जैसे कोई भी अपना छोटे भाई बहनों को केयर करता है, मुझे बिल्कुल वैसे ही केयर मिला सिस्टर की तरफ से। और मैं बहुत ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए सिस्टर को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं सिस्टर फ्यूचर के लिए। आप स्वस्थ रहें, ठीक रहें और बीच बीच में आके हमसे मिलते भी रहें। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर धनंजी टू स्पीक अ फ्यू वर्ड। सिस्टर इंचार्ज कामनी गुप्ता सिस्टर और बाकी जी, सिस्टर जी का रिटायरमेंट पार्टी फेयरवेल पार्टी नर्सिंग यूनियन की तरफ से रखा गया है। मैं आयोजक सर आपको धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक कामनी सिस्टर के साथ एसोसिएशन की बात है, हमें लगता है 2012 से हम लोग साथ। सिस्टर की एक क्वालिटी है, कोई भी काम हो भाग के एकदम आप उनको बता दीजिए डेडिकेटेड, मतलब वो काम जब तक ख़त्म नहीं होता था वो काम ये छोड़ती नहीं थी। तो काफ़ी वार्ड के लिए इन्होंने काम किया और हम लोग कभी कभी आपस में लड़ भी लेते थे मगर वो पेशेंट के लिए लड़ते थे। और ये खुशी है कि रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि सिस्टर मेरे सामने रहती है तो हम लोग मिलते जुलते रहेंगे। और आपका सोशल लाइफ है, हम लोग हर जगह हर एक प्रोग्राम कार्यक्रमों में मिलते जुलते रहेंगे। और रिटायरमेंट के बाद आप समाज को ज़्यादा समय दे पाएंगे, लोगों को ज़्यादा समय दे पाएंगे। इस आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो है हैप्पी हो, आप स्वस्थ रहें और बाकी सिस्टर जी लोग भी आप स्वस्थ रहें, आते रहें और आगे भी जो जितनी रिटायरमेंट हो उसमें आप शिरकत करें। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।
थोड़ा प्रमुख हुआ। आज जैसे सबको पता है कि हमारे बीच में से एक सिस्टर कामनी गुप्ता, सिस्टर रेन, सिस्टर शशि और सिस्टर गीतापुरी, ये तीन सिस्टर्स रिटायर्ड हो रही हैं, पर इनकी जो सर्विस का पीरियड है, इन लोगों ने जो काम किया है ना, वो सहारनीय है। सिस्टर, अगर हम एज अ नर्सिंग काम कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए और इन तीनों के लिए एक छोटी सी लाइन बोलूँगी, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आँखें, कोई राज है इनमें गहरा। तुम्हें बनाया सिस्टर कामनी ने बोला कि आप दो लाइन बस गाने की बोलना, गाना तो मेरे का लय तो नहीं है मेरे गाने में, पर वर्ड्स जरूर है। तो ये मेरे दिल से वर्ड्स निकले हैं इन तीनों सिस्टर्स के लिए। थैंक यू सिस्टर्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू डिपार्टमेंट जीटीबी हॉस्पिटल। सो इट इज माय प्राउड प्रिविलेज टू felicitate our sisters, nursing staff. Sister Kamini has also worked in the Department of Psychiatry, and Sister Geeta Puri has worked as a staff, and her association with me is more like a friend. So it's been years, we've become old together. So she's got promoted to sister in charge. I joined the department as a senior resident and then as an ad hoc faculty, then regular faculty, then assistant professor, associate professor, professor, and now I'm a director professor. So with this, we have been holding each other's hand together, and we've been, I think sister, you all sisters, they keep on coming and meeting to us, and we have lifelong bonding with all the sisters, and nursing staff, they do keep on coming and meeting us. So with all of you sisters, you we are also very privileged to have all of you, and to have such good healthy relationships, and I think the younger generation should also foster such kind of relationships. Thank you. Thank you, ma'am. Don't go back. Please felicitate three of the mid bookies. Ma'am, please felicitate all three bookies. Three of you, please come forward. No. Go. नमस्कार। रिस्पेक्टेड हमारी नर्सिंग स्टूडेंट मिसेज बक्सो मैम, हमारी रिस्पेक्टेड एएनएस मैम, मिसेज गीता मैम, मिसेज किरण मैम, और हमारे बीच में हमारे डिपार्टमेंट के बर्न डिपार्टमेंट के एचओडी मिसेज डॉक्टर सुमन, डॉक्टर धनंजय, और ऐसा हमारे बीच में डॉक्टर मिशाल, और बाकी हमारे सभी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स, हमारे सभी नर्सिंग ऑफिसर्स और सभी अन्य हमारे कर्मचारी, सभी का आज की इस रिटायरमेंट प्रोग्राम में सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मुझे अभी मैम एक चीज़ कह रही थी कि जितेंद्र तुम्हारा मूड खराब है, मैं सच में मेरा मूड खराब है एक चीज़ को, क्योंकि देखो वक्त है, उस चीज़ को वक्त पर बोलना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि शायद आज बड़े दुख का विषय है कि आज 37-38 साल की एक इस प्रशासन को, इस अस्पताल को जोड़ दिए, तो शायद मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कमी है कि प्रशासन के किसी अधिकारी को यहाँ आना चाहिए था। ऐसा लगता है कि शायद हम यूज एंड थ्रो वाली आइटम्स हो गए हैं। बड़े शर्म की बात है ये, क्योंकि शायद इस मौके पर ये चीजें नहीं होनी चाहिए, पर मुझे महसूस हुई है। मतलब आज 40 साल की 38 साल की सभी संघर्ष के जा रहे हैं, प्रशासन ने हम लोगों से काम लिया है, एक एप्रिसिएशन में दो वर्ड बोलने चाहिए उन लोगों के आगे, तो यहाँ पे शायद प्रशासन का एक भी अधिकारी नहीं है।
तो ये चीज सच में, मैं सच में बता रहा हूँ, मैं दिल से हार्ट कर रहा हूँ आज इस चीज को कि ये नहीं होना चाहिए। हम यूज एंड थ्रो के आइटम्स नहीं है, हमने प्रशासन को सेवाएं दी है, अस्पताल को सेवाएं दी है, और इतनी अच्छी सेवाएं दी है कि शायद प्रशासन भी नहीं सोच सकता, क्योंकि जितना डेडिकेशन के साथ में नर्सिस काम करती हैं, वो शायद रियल में अपने आप एक अप्रिशिएबल है अपने आप में। और इन लोगों ने 38 साल की, मैं कहता हूं कि मैं शशि सदैव सिस्टर से हमेशा मिला हूं, जिनका हमेशा एक हंसमुख स्वभाव, जैसे भी मैंने इनके साथ काम नहीं किया, पर किसी न किसी एंगल से हमने उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखा है कि उन्होंने अपने वार्ड का किस तरीके से मैनेजमेंट किया, तो एक वो अपने आप में एक अप्रिशिएबल वर्क है उनका। दूसरी बात, जैसे गीतापुरी मैम है, हैं, इनके साथ में मैंने काम नहीं लिया, इनकी थोड़ा सा कुछ बीमारी को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रही हैं, ये सफर करती आई है, फिर भी इन्होंने बीमार रहते हुए इस पर अस्पताल को अपनी सेवाएं एंड तक दी हैं, तो ये अपने आप में एक मायने रखता है। दूसरी बात मैं कहूँ हमारी कामनी सिस्टर की, इनने वो वर्क किया है जीटीबी के लिए, मैं तो इनको इतने टाइम से इनके साथ में अच्छे से जुड़ा हुआ हूँ, इन्होंने नर्सिंग एसोसिएशन के हर एक्टिविटीज में, इवन आज रिटायरमेंट का ये जो फंक्शन जो इतने खूबसूरत तरीके से जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये जो कम से कम 2 साल 2.5 साल से जो इस चीज को अच्छे से रन किया जा रहा है, सबसे बड़ा योगदान इसमें कामनी सिस्टर है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूरी रिटायरमेंट कमेटी को ऑर्गेनाइज किया है। और आज भी मैं देख रहा था कि हर जगह पे इनके दिमाग में यही चल रहा था, अभी क्या होना चाहिए, अभी ये क्या होना चाहिए, हालांकि आज हमारे विशेष मेहमान। तो कहने का मतलब ये है कि हर तरीके से ये देखा जाए, मैं तो सच में बोलना चाहूंगा कि हम नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन को सैल्यूट करते हैं, हमारे सभी, हमारी नर्सिंग रिटायरमेंट कमेटी को, हमारे नर्सिंग एसोसिएशन के सभी कमेटी मेंबर्स को, कि जो इस प्रोग्राम को इतना खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज करके सभी को खुशी खुशी विदाई दे रहे। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए बहुत सारी चीजें मैं बोलूंगा, तो फिर सिस्टर कहेंगे कि रुकेगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार फिर से मैं हमारे तीनों हमारे अधिकारियों के लिए जो आज रिटायर होकर जा रहे हैं, मिसिज कामनी गुप्ता मैम, मिसिज शशि सचदेवा मैम, मिसिज गीतापुरी मैम, हम इनके पूरे जीटीवी नर्सिंग परिवार की तरफ से उनके हेल्दी और वेल्दी लाइफ की कामनाएं करते हैं। धन्यवाद। Speak a few words. When you come here, yeah, I have to give a mic to you. Hello, good afternoon, everyone, respected madam, all ANS, senior nursing officer, and my friends. Today I am so happy as I have completed my 37 years of service with the blessing of God and with cooperation of all of you. In 37 years of service, I worked in various departments and enjoyed working with all of you. And I have so many memories with GTB, which I never forget. Will miss you, will miss my office. Thanks to everyone for your cooperation. Thanks to Retirement Party Committee members and thanks union members for this arrangement. And special thanks to my husband for his support during this journey. He always stood by. Thank you once again. Thank you. Thank you, Didi. Now it's Ms. Gitapuri. Hello. आज के दिन मेरे को यहाँ से विदा कर रहे हैं, पर मेरा दिल जाने को नहीं करता, कब मेरा समय निकल गया पता ही नहीं लगा मेरे को। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, एनएस मैडम, डॉक्टर श्रुति, ऑल सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और प्रेजेंट यहाँ पर जो भी है। मेरे पास शब्द नहीं है, सबने मेरा इतना साथ दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मेरी शुरुआत ना गाने से हुई थी, मैंने 1987 में पहले तो सॉरी सबको गुड आफ्टरनून, तुमने मुझे ना गाना गाना इसीलिए, तो मैं डॉक्टर के अग्रवाल थे यहाँ पे, उनकी विदाई हुआ था, तो यहाँ पे एक मैडम हुआ करती थी, उन्होंने मुझे बोला तुम्हारे पास म्यूजिक था, मैंने बोला हाँ जी मैम, तो एक विदाई सॉन्ग बोलो, मैं बोला ओके मैम। वो विदाई सॉन्ग था चलते चलते मेरे ये गीत, लेकिन मैंने ये खुद अपने वर्ड्स बनाए थे, तो उससे मेरी मतलब यहाँ पे लोगों से जान पहचान हुई।
तो नेचुरली हर जगह पे भी मेरा ये चलता है कि एक दो लाइन तो बोलना है, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद, मेरे पूजनीय आदरणीय अतिथि, मेरे फ्रेंड्स, सीनियर्स, जूनियर्स, सर दोनों, श्रुति मैम, मेरे बहुत 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 प्यारे बच्चों। मैं बहुत बहुत इसलिए बोल रही हूँ, जो ड्यूटीज मैंने बोली की, कुछ प्रॉब्लम हुई मेरे से सीधा शेयर करा, कभी मेरे बच्चों ने आज तक की डेट में एलिजाबेथ रूप है हमारे अलावा हमारे डिपार्टमेंट की बात शायद किसी ने नहीं बोली होगी। मतलब हमने इतना कॉपरेट किया, मतलब डबल ड्यूटी लगाई, ठीक है, छुट्टियों से उनको बुला के ड्यूटीज करवाई, क्योंकि स्टाफ ये बोलती थी दीदी दूसरे कहीं से मंगवाएंगे ना स्टाफ को, मतलब ये वर्ड होते ना बुलवाने का मतलब मंगवाना हो गया, ठीक है, अगर दूसरे कहीं से मंगवाएंगे तो दूसरी स्टाफ को प्रॉब्लम होगी, दीदी मैं आ जाती हूँ। हमारे बच्चों में नाम क्या बोलूँ, जो भी यहाँ पे मेरे साथ जिसने भी काम किया उनको पता है, मैंने बोला मस्ती में काम करो, डर के नहीं करो, लेकिन पेशेंट केयर करो, पेशेंट के मामले में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मेरी हेल्प चाहिए कभी भी चाहिए मैं आपको हेल्प करूँगी, छुट्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्यूटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सभी का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हर चीज़ में हर जगह पे मुझे कोऑपरेट किया, ठीक है। सबसे बड़ा धन्यवाद है मेरे हस्बैंड का, नो वर्ड्स मेरे छोटे छोटे बच्चों को मिलाना, स्कूल में भेजना, मतलब मैं जो भी ड्यूटी मैंने बोला है, मैं कभी कभी घर जाके बोलती थी क्या है मैडम ने ये कर दिया, मैं बस मेरे को नहीं अच्छा, कहते नहीं ड्यूटी दी है, हमेशा भगवान का धन्यवाद बोलो कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिली है, लोग इतना घूम रहे हैं, परेशान हैं, इनके हमेशा ये बढ़ रहे हैं, कभी मेरे हस्बैंड ने ये नहीं बोला कि ये ड्यूटी नहीं करनी है, तो और बाकी सबका है ही, भगवान ने इतने अच्छे अच्छे लोग मुझे दिए, अगर कोई किसी ने मुझे परेशान करने के लिए किसी को भेजा है ईश्वर ने, तो साथ में ऑल्टरनेट भी भेजा है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, एलिजाबेथ सिस्टर है, सिस्टर सुमा, अभी सिस्टर लाली, सिस्टर एस्टर, एनसी, इतनी अच्छी सिस्टर्स हैं, अगर मैंने एक बार ये कही, बाकी सबके साथ तो मैंने किया है काम, लेकिन अभी फिलहाल में मैं कर रही हूँ, साफ सारे बहुत रिस्पेक्ट दिया, अगर मैं सीनियर हूँ तो सीनियर हूँ, क्योंकि शायद मैंने सीनियर्स को वही रुतबा दिया है, वही मैंने रिस्पेक्ट दिया है जो मैं चाहती हूँ और मुझे मिली है, इसके लिए सभी का, सर का, श्रुति मैम के साथ भी मैंने काम किया है, तो हमने बहुत मजे में काम किया श्रुति मैम के साथ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। वो जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं, इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं, प्यारे जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। और एक बहुत ही अच्छा गीत है, बोल ही देती हूँ, दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, मैं अपनी शशि को इसलिए बुला रही हूँ क्योंकि हम बिल्कुल सेम हैं, सिर्फ हमारा, मैं 9 जुलाई की हुई, ये 11 जुलाई की है, हमारी ट्रेनिंग एक साथ हुई है, हम सेम बैच के हैं और सेम आज रिटायर हो रहे हैं, इसीलिए बाकी मेरे जितने फ्रेंड्स आए हैं, शशि के जितने फ्रेंड आए हैं उनके लिए भी है, दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में तो मिलते हैं, दिए जलते हैं, अच्छा हाँ लास्ट, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, दे दो हमें विदाई, दे दे आशीष तुम्हारा, दे दो हमें विदाई, दे के आशीष तुम्हारा।
तुम्हारा बस इतना ही साथ था, तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा। थैंक यू। ऐसे बोल रहे कि सब दुख के साथ जा रहे, मगर ना खुशी पर 70 mm मेन के फेस पे। अब मैं तो ये रहा कि कोई इनको दुख है कि भी नहीं है जाने के लिए, है ना, ट्यूबलाइट की तरह हो रहा है, खिल रहे। हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ये तीनों सिस्टरों के साथ मैंने ड्यूटी किया है, तीनों एक से बढ़कर एक है। इनका काम, इनका मैनेजमेंट इतना अच्छा था, उसके लिए कोई वर्ड नहीं हमारे पास। सिस्टर गीतापुरी वो मेरे साथ कैंपस में रहती है, जितने बार इनका नाम ले रहे मुझे लग रहा मुझे बुला रहे। अभी सिस्टर कामनी मुझे हमेशा गाने के लिए बोलती है, पर उनके पसंद का एक गाना था। सिस्टर कामनी आपके पसंद का गाना, चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच रहने दिलवर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की डगर। बीच रहने दिलवर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, अलविदा ना कहना, ना कहना, चलते चलते। अच्छा, इन्होंने कहा ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, गाना मुझे नहीं पसंद है गाना, तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में गलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। मेरे फ्रेंड भी हैं और मेरे साथ बहुत साल कैंपस में रहे हैं। जीवन के सफर मेरा ही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। Congratulations to all of you, जो जो लोग रिटायर हो गए। Today is a very special day for me as my mom is getting retired after completing the service of almost 37 years. Growing up, my mom was always extremely busy balancing an incredible mom and building her own career. She has went through a lot of hardship and sacrifices. She supported her family at a very young age, I think at the age of 20. She keeps telling me कि मैंने बड़ी मेहनत करी है, मैं सिलाई बुनाई भी करती थी नौकरी के साथ साथ, जिससे कि मैं और पैसे कमा सकूँ। So that's really amazing about her. She gave us the best life she could. So आज जो उनके बच्चे हैं वो मम्मी और पापा की वजह से डेफिनेटली है, एंड डेफिनेटली माय फादर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग मम्मा, बिकॉज जितने भी घर के ऊपर से काम हैं वो पापा बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। सो थैंक यू पापा फॉर ऑल योर सैक्रिफाइसेस एंड योर हार्ड वर्क आल्सो। आई रिमेंबर, सॉरी मैं बस 2 मिनट और लूँगी। आई रिमेंबर बोथ माई पेरेंट्स वर वर्किंग एंड कैसे वो डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में काम करके बच्चों को देखते थे,
मॉम डैड सुबह 5 बजे उठ के हमारा खाना बनाना, स्कूल भेजना, सब मैनेज करते थे. एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट ईजी बिकॉज आई एम इन द सेम फेज राइट नाउ. अभी मेरा 1 साल का बच्चा है तो मुझे पता है कैसे मेरे हस्बैंड 9 to 6 जॉब करते हैं, मैं 1 to 10 करती हूँ, हम कैसे संभालते हैं अपने बच्चे को. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट मॉम इज दैट शी विल कीप डूइंग गुड टू यू. कोई के साथ कैसा भी करे, शी विल कीप डूइंग गुड. She will never hurt you. वो कभी ऐसा आपको बुरा नहीं बोलेगी जिससे आपको तकलीफ हो. The way she has balanced her work and family life together is incredible. And definitely you are an inspiration, mama. And I recall a very tough time in her life. 2007 में जब वो bedridden हो गई थी 1 साल के लिए. I think आप काफ़ी लोगों को इस बारे में पता होगा. But within a year she came back very strongly. She took a break of 1 year. She has the best will power. I think mummy, mama ji, meri nani, sabki bahut achhi will power hai. So thank you mom for leading me by an example and showing me that if I work hard and pour passion, I will always succeed. So thank you for teaching me to be an amazing parent, and you are and you will always be my hero. So mama, it is time for you now to relax. मैं हमेशा उन्हें बोलती हूँ अब बस बच्चों को शादी कर दी, पढ़ा लिया, सेटल हो गए बच्चे, अब अपना घूमो, अपने टिकट्स बुक करो, ट्रैवल करो पापा के साथ, जितना घूम सकते हो घूमो. सो इट्स टाइम फॉर यू टू रिलैक्स एंड कीप योरसेल्फ हैप्पी. आई विश यू हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ मामा, एंड आई लव यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू श्रुति. टिकट बुक करो, नहीं टिकट बुक करके दो. सभी को नमस्ते. और ये आज भी हम लोग 1987 में इधर आए थे टीबी हॉस्पिटल में, तो यहाँ देख रहे आए थे कि भाई टीबी हॉस्पिटल कैसा है. तो तब तक ये बना भी नहीं था, तब इन्होंने ज्वाइन किया था. तो तब से अभी तक इनकी जॉब आई थिंक 37 ईयर्स की हो गई. और मैं पिछले 37 साल से इनको यहाँ पर छोड़ने आता हूँ. अब मुझे बड़ा अजीब सा लगेगा सुबह को कि भाई कोई काम ही नहीं है. हाँ, मेरी भी पार्टी रिटायरमेंट हो गई कि भाई आप सुबह कोई काम ही नहीं होगा कि किसको छोड़ने जाऊँ, कोई और ढूंढना पड़ेगा. तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. सबने सबका बहुत कॉपरेशन रहा. शशि जी को हम बहुत पहले से जानते हैं, और मैडम गीतापुरी को बहुत पहले से देखा हुआ है मैंने. इतनी ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन नहीं है लेकिन देखा हुआ है. हाँ, आपको 37 ईयर से जानते हैं, और यहाँ की बहुत यादें हैं, बहुत यादें हैं. सब लोग साथ मिलते थे, कभी कैंपस में भी प्रोग्राम होता था तो सब आते जाते थे. अब सब बड़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए, तो मिलना जुलना कम हो गया. लेकिन चलिए फिर मिलते जुलते रहेंगे. और सभी को रिटायर्ड लाइफ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सबका लाइफ अच्छा रहे, और जो भी रिटायर होने वाले हैं उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी रहे. धन्यवाद. और मेरे को अभी जब किसी ने इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो मेरे को आई थिंक उन्होंने सफल व्यवसायी बोले था. मैं व्यवसायी नहीं हूँ, मैं एज ए प्रोफेशनल काम करता हूँ. मैं एक प्रोफेशनल. और उन्होंने इनको सिंगम बताया था, तो समझो मैं सिंगम के साथ कितने साल से रह रहा हूँ. नहीं, मैं झेल नहीं रहा रह रहा. और इन्होंने हर चीज़ में मेरा साथ दिया, चाहे मैं कोई गलत काम भी करता हूँ, कुछ भी किया मैंने, लेकिन ये हम मैं मेरा साथ देती है अच्छे में भी सब. ये शी इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस. भगवान करे मेरे हम दोनों हमेशा ऐसे रहें. थैंक यू. थैंक यू. मेरी शादी हुई थी तो मम्मी ने एक सेंटेंस बोला था, अब पति की बात मानना और सासू की बात मानना. और मुझे दोनों बहुत अच्छे लगे. मेरी सासू माँ को मैं एक बार ही फोन करती थी, आज ना मेरी बेटी बीमार है या मेरे बेटे को कुछ हो गया, वो सीधा गाड़ी लेके आती थी, अरे इसकी ड्यूटी होगी मैं चलूँ भाग के. इतनी नाइस, शी वॉज वेरी नाइस. आई कॉन्ट से वर्ड नो वर्ड ही के लिए. थैंक यू.
extreme respected trainers, madam, and the dairy people. In this August gathering, I am not good orator, please excuse me. I thanks to sister who has already good introduction about Gita. And I thank God, first of all, I thank God for against all odds. She has been delivering this with especially or at the time of Corona. It's a very privilege of all the sisters who have been rendering very good service during the Corona, when at that time people were fearful to step out. So it's a great proud and proud proud of the nation. Not to speak much, I wish you all good, healthy life. God bless you. Thanks to Director Professor Shruti. She is always as a sister to her. And she was very helpful. I am really thankful. शेयर उनकी ठीक रहे और अच्छी तरह से अपना घर का काम चलाए और जो भी है मस्ती से घूम रहे, ये ना सोचे कि मैं रिटायर्ड हो गई हूँ। ये रिटायर्ड नहीं है, ये रिटायर्ड है, मगर रिटायर्ड होने के बाद यंग रिटायर्ड, ठीक है। अच्छा, मैं आपको परिचय दे दूँ जो ये कि मैं आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से एक अधिकारी के रूप से रिटायर्ड हुआ हूँ। बजट में और उसमें मतलब प्रशासन के अंदर तो मैं अब जो है बोल तो नहीं सकता है, इसलिए मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि ये जैसे यहाँ भी रहे ठीक रहे अच्छे रहे। सर रिटायरमेंट कमेटी में आई, मैं ऊपर हूँ आज से, इसमें प्लीज काम करो।